हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। वेल, होमोलॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर टोटली सेम होता है, लेकिन वो डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट काम करते हैं। ठीक है, उनका अगर हम बेसिक प्लान चेक करेंगे तो बेसिक प्लान हमें पता चलेगा कि वो सेम होता है सबका। होमोलॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं टिपिकली ये किन में प्रेजेंट होते हैं? ये उन वाले प्रेजेंट में होते हैं जिनका उन वाले ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है जिनका एंसेस्टर कॉमन प्रेजेंट होता है। और होमोलॉगस ऑर्गन हमें एविडेंस देता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक इनका एंसेस्टर था, उसके बाद जो वो एंसेस्टर था उससे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बने, और वो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बने उनका बेसिक प्लान सेम था उनके ऑर्गन्स का, लेकिन वो काम डिफरेंट कर रहे थे क्योंकि उनका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। कोई पानी में रहने लगा, कोई ज़मीन पे रहने लगा, कोई ट्रीज़ पे रहने लगा, उनका हैबिटेट भी टोटली डिफरेंट हो गया। नाउ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा होमोलॉगस ऑर्गन्स को समझने के लिए। हमारे पास एक एग्जांपल है फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस या हॉर्स या बैट या बर्ड एंड सील फ्लिपर्स। ओके, अगर आप ह्यूमन आर्म देखेंगे या हॉर्स फोर लिम देखेंगे, बर्ड विंग्स देखेंगे, बैट विंग्स देखेंगे, सील फ्लिपर्स देखेंगे, इनका जो बेसिक प्लान होता है वो सेम होता है। मतलब इन सब में ह्यूमरस प्रेजेंट होगा, ये बोन है, इसके बाद रेडियस उल्ना प्रेजेंट होगा, कार्पल्स मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, ये सब में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये वाली बोन्स मतलब अंदर से इनका जो बेसिक प्लान होता है वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन इनमें ये बात है कि इनका जो काम होता है वो डिफरेंट होता है। ह्यूमन आर्म हम अपनी जो हमारे जो हाथ होते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं? ग्रेस्पिंग के लिए यूज़ करते हैं। वाइल एज जो हॉर्स होता है, हॉर्स क्या करता है? वो अपने लेग्स को या फोर लिम्स को रनिंग के लिए यूज़ करता है। बैट विंग्स को यू कैन से फ्लाइंग में मदद फ्लाइंग के लिए यूज़ करता है। बर्ड विंग भी फ्लाइंग के लिए यूज़ होती है। और जो सील फ्लीपर्स होते हैं वो उनको वाटर में स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं। बेसिक प्लान सेम है लेकिन काम इनका डिफरेंट होता है। हमारे पास और एक एग्जांपल है वर्टिब्रेट हार्ट का। वर्टिब्रेट हार्ट में अगर आप चेक करोगे तो इनका जो एनाटमी होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इनमें चेक करोगे तो इनमें ये ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होता है। ये जो फिशेस होती है इनमें वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। इसके बाद जो रेप्टाइल्स होता है एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स, उनमें भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये जो ब्लड होता है डीऑक्सीनेट ऑक्सीनेट वो मिक्स हो जाता है। रेप्टाइल में इनकम्प्लीट पार्टीशन होता है, मतलब जो इनमें क्रोकोडाइल होता है उसमें फोर चैम्बर हार्ट होता है। और हम जो ह्यूमंस की बात अगर हम करेंगे या मैमल्स की बात करेंगे, हमें टू ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दो टोटली सेपरेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जो काम सेम करते हैं, जिनका सिमिलर फंक्शन होता है, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व भी हुए हैं। ठीक है, टिपिकली हम बात करते हैं कि ड्यू टू एडेप्टेशन उनमें जो एनवायरनमेंट होता है वो सेम होता है, उसकी वजह से जो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सिमिलर टाइप के बनते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इनको ये जो वी कैन से एवोल्यूशनरी ऑरिजिन जो इनका होता है वो कॉमन इनका होता है। एनालॉगस ऑर्गन्स ये एक्चुअली हमें एविडेंस देता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के लिए। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वो एक ही एनवायरनमेंट में रहे हैं, उसके बाद जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर वो ऑलमोस्ट सिमिलर बन मतलब बाहर से देखोगे सुपरफिशियली वो आपको सिमिलर दिखेगा। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट इनका सेम होता है। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ यू कैन से विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स बर्ड्स एंड मैमल्स। इनका अगर हम देखेंगे आपको बाहर से जो इंसेक्ट या बर्ड या मैमल का ये जो विंग्स दिखेंगे आपको वो सिमिलर दिखेंगे सुपरफिशियली, और इनका काम एक ही होता है, एक इनको किसमें यू कैन सी फ्लाइंग में मदद करता है, लेकिन अंदर से अगर इनका आप स्ट्रक्चर चेक करोगे वो टोटली डिफरेंट होता है। ये जो मैमल्स होते हैं इनमें मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होता है, बीच में स्किन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है या स्किन जिसको हम बोलते हैं। और ये जो बर्ड्स होते हैं इनमें चेक करोगे इनमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, और विंग्स ये जो इंसेक्ट्स के होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। ये हमारी एक एग्जांपल है एनालॉगस ऑर्गन्स। इसी तरह हमारे पास और एक एग्जांपल है, वो है पेक्टोरल फिन ऑफ शार्क और फ्लीपर्स ऑफ
यू कैन से फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, ठीक है। इनमें भी चेक करोगे बेसिक स्ट्रक्चर इनका होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, लेकिन इनका काम एक ही होता है। क्यों? क्योंकि दोनों पानी में रहते हैं, तो ये जो हमारी शार्क है या हमारे जो डॉल्फिन होते हैं, ये अपनी फ्लीपर्स और ये जो पेक्टोरल फिन है उनको स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे क्या होती है, जो हमने अभी डिस्कस की। मैंने आपको ये बताया ये जो होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजी इनकी डिफरेंट, बाहर से डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन एनालॉगस ऑर्गन सुपरफिशियली हमें मतलब उनमें रिजम्बलेंस दिखती है। इनका जो होमोलॉगस ऑर्गन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, लेकिन ये जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। होमोलॉगस ऑर्गन्स ये एक्चुअली किन में डेवलप होते हैं? ये होमोलॉगस ऑर्गन्स जो रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी रिलेटेड ऑर्गेनाइजम्स होते हैं, लेकिन एनालॉगस ऑर्गन्स दे आर एक्चुअली डेवलप्ड इन अनरिलेटेड ऑर्गेनाइजम्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं इनके जो डेवलपमेंटल स्टेज होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन एनालॉगस ऑर्गन्स के डेवलपमेंटल स्टेज डिफरेंट होते हैं। इसी तरह ये जो होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं इनका काम भी डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि ह्यूमंस के आर्म्स किसके लिए यूज़ होते हैं, ग्रेस्पिंग के लिए। हॉर्स जो अपने लेग्स यूज़ करता है उनको वो रनिंग के लिए यूज़ करता है, ठीक है। अब एनालॉगस ऑर्गन्स इनका काम जो होता है वो सिमिलर होता है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बैट, वो एक ही काम में यूज़ होते हैं, यू कैन से फ्लाइंग में। होमोलॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंटल प्लान सेम होता है, और एनालॉगस ऑर्गन्स का डेवलपमेंटल जो प्लान होता है वो डिसिमिलर होता है। होमोलॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं इनमें एडेप्टिव रेडिएशन होती है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इनमें होता है, और ये जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं इनमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है। वेल, ये हमने आज होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।